प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक राइटर लिख रहे थे कि पाकिस्तान की औरतों की भी खुदारा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, ताकि आप मर्द के जूतों और ससुराल की ज़बरदस्ती से बच जाएं। तो ये बहुत अहम है कि तालीम बहुत खूबसूरत जेवर है, हर लड़की को पहनना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वोट जैसे पाकिस्तान में तो इलेक्शन हुए ना हुए एक बराबर है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उसके केसेस चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आपके पास सिर्फ 5 साल के बाद एक ही दिन आता है, जिस दिन आप अपनी तकदीर बदलते हो। और आपका ये अंगूठा जो है बहुत बड़े बड़े फैसले करवा देता है, और यही जमहूरी मुल्क की बड़ी ताकत है। और जहाँ पे असदुद्दीन अवैसी की बात आई, कहीं भी ये सियासतदान जो अपनी जेबें भरते हैं और आवाम का पैसा आवाम की वेलफेयर पे नहीं लगाते, खा देते हैं। हमारे हमारे पाकिस्तान में जब मोदी साहब का जिक्र होता है, तो हम ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करते हैं कि यार उनकी तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट बनने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है, क्योंकि 10 सालों में कोई भी ओपोजिशन पार्टी उनके ऊपर करप्शन का एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। तो जो हुक्मरान मोदी साहब बेशक पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं है, बांग्लादेश के अच्छे नहीं है, अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वो जिस कंट्री में रहते हैं अगर वो उनके लिए अच्छे हैं, तो उससे बेहतर फिर लीडर कोई नहीं है, क्योंकि पहले मुल्क है फिर बाद में बाकी चीजें हैं। और नाज़िर जी, मुझे आपकी राय बहुत अच्छी लगी। अब देखिए, राहुल बाबा की मोहब्बत मुसलमानों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति जितनी ज्यादा दिखाई दे रही है मैनिफेस्टो के द्वारा, या बाबर के ग्रेव में जाने के द्वारा, या उन्होंने कहा कि शरिया लॉ को वो दोबारा मजबूत करेंगे भारत में, उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो हिंदुओं के संपत्तियों का एक्सरे करवाएंगे, और जिनके पास भी ज्यादा संपत्ति होगी उसके पॉकेट से निकाल करके, उसकी तिजोरी से निकाल करके वो मुसलमानों को बांट देंगे। आप कौन होते हैं, आप क्यों अपनी अम्मा का जहेज समझ रहे हैं? हिंदुओं की संपत्ति को राहुल बाबा अपने अम्मा का जहेज काहे के लिए समझ रहे हैं? उनकी अम्मा लेकर आई थी क्या इटली से जो आप बांटेंगे खड़े होकर के? अब देखो, 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले शैला, राहुल बाबा और मोनवरत की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्या किया? सोनिया एंटोनियो ने खड़े हो करके 123 प्रॉपर्टी भारत के वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। अब ये जो 123 प्रॉपर्टी, ह्यूज प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी जो आपने वक्फ बोर्ड को गिफ्ट किया, ये सोनिया एंटोनियो जो राहुल बाबा की अम्मी जान है, क्या वो लेकर आई थी इटली से जहेज में जो आपने आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया? अरे भारत में भारतीयों की संपत्ति है ना, भारत की संपत्ति पर किसका हक है? 82.7% का हक है। अब आप पाकिस्तान में रह रही हैं, देखिए शैला, आप मुसलमान होकर के मत सोचिएगा, अभी आप एक इंसान होकर के सोचिए कि आप पाकिस्तान में रह रही हैं। अब पाकिस्तान की संपत्ति को अगर गिफ्ट किया जाएगा, तो क्या आप लोगों ने कभी भी 1% हिंदुओं को किया है कुछ गिफ्ट? आपने तो कभी नहीं किया। हमारे यहाँ तो फिर भी मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, सारी फैसिलिटीज है, सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है, सारी चीजें, योजनाएं जो हैं, वो मैंने खुद जा करके बांटा है, मैंने खुद जा करके दिया है, जिसमें किसी का भी स्टैंप नहीं लगा हुआ था कि यह हिंदुओं को नहीं मिलेगा या मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था, सबके लिए था। तो आपने, कांग्रेस ने 123 बड़ी प्रॉपर्टी जो 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो वक्फ बोर्ड को दिया, तो वो सोनिया एंटोनियो के बाप की जागीर तो थी नहीं जो आपने दे दिया। यही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्या बोलता था, 370 हटेगा तो कोई तिरंगा झंडा लगाने वाला नहीं होगा, 370 हट गया। और आज देखिए, कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे जिसके हाथ में कल तक पत्थर हुआ करता था, आज उनके हाथ में कॉपी कलम और किताब है, आज उनके हाथ में तिरंगा झंडा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना। अब देखिए, बंगाल, अभी मैं बंगाल में ही बैठी हुई, तो पश्चिम बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। 11 अप्रैल 2024 को जब हम सबने ईद मनाया, तो उस ईद के डायस पर, उस ईद के मंच पे श्रीमती ममता बनर्जी ने संविधान के खिलाफ बात किया,
उन्होंने कहा कि वो यूसीसी नहीं होने देंगी। क्यों नहीं होने देंगी? क्योंकि मुसलमान मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं होने देंगी। मतलब संविधान के आर्टिकल 44 को ही वो मानने को तैयार नहीं है। वो कभी इमाम भत्ता देती है, मतलब इमाम को पैसा देती है, लेकिन पुरोहित को नहीं देना चाहती है। वो रामनवमी में राम भक्त जो है वो शोभा यात्रा निकालते हैं तो वो पहले ही टिप्पणी कर देती है कि देखो मुसलमान के एरिया में जाओगे तो पत्थरबाजी होगी, और पत्थरबाजी होती भी है। अब देखो मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कांग्रेस के जमाने में, बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की कोशिश ममता बनर्जी के राज में तृणमूल कांग्रेस की सरकार में, केरला को पीएफआई के साथ मिलकर के सीरिया बनाने की कोशिश कांग्रेस के राज में। तो हम कैसे नहीं कहें कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं राहुल गांधी से। लेकिन अगर हम एज अ पाकिस्तानी देखें तो यही कांग्रेस की सरकार थी, यही इंदिरा गांधी थी जो कि हमारे जो है एटमी पावर के मंसूबे को नाकाम बनाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। और इनके जमाने भी अगर देख लें तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं रहे हैं। जहाँ पे कश्मीर की बात की तो कश्मीर के अंदर तो आज़ादी की तहरीकें ये अभी कुछ साल, जैसे आपने कहा कि 2014-15 के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि पथराव खत्म हो गया, लोगों ने वहां पे 15 अगस्त भी मनाया जो हमने मीडिया के थ्रू देखा, लेकिन गड़बड़ तो उस खित्ते में बहुत टाइम से रही है। लेकिन हमारी इतनी सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ रही होगी माजी में। देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ और समझना भी चाहिए, मुझे लगता है सबको समझना चाहिए। आपने कहा कि अभी 2014 से कश्मीर बहुत शांत है और हमने 19 के बाद देखा कि कश्मीर फल फूल रहा है और लोग बच्चे जो हैं वो तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं और पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चियां भी जो हैं वो आजाद हैं। तो आखिर 53 साल ऐसी कौन सी सरकार थी जो लश्करे तैबा एंटर कर गया था? आखिर ऐसी 53 साल कौन सी सरकार थी जो आराम से यासिन मलिक कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर दिया था, खून की नदियां बहा दिया था? वो तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, कांग्रेस की ही सरकार थी ना। आज आज कैसे कोई यासिन मलिक नहीं एंटर कर पा रहा है? आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो बम नहीं फट पा रहा है। आज आज अजमल कसब तो एंटर नहीं कर पा रहा है। आज अफजल गुरु तो नहीं कुछ कर पा रहा है, पार्लियामेंट पर अटैक नहीं कर पा रहा है। आज याकूब मेमन तो हमारे भारत में पैदा नहीं हो रहा है। आज यासिन मलिक जैसा कोई व्यक्ति कोई षड्यंत्र तो नहीं खेल पा रहा है। मैं आरजू काजमी जी के साथ मैं बैठी थी लाइव शो पर, ठीक है, वहां पर पाकिस्तान नवाज शरीफ की पार्टी के विधायक जो है एमएलए साहब है डॉक्टर इरशाद बैठे थे और वो न्यूज काफी वायरल भी हुई थी, काफी वायरल हुई थी। और मैं चाहती हूँ कि इस कंटेंट को आप हटाइएगा मत, एडिट मत कीजिएगा। और जिस तरह से डॉक्टर इरशाद राहुल गांधी की तरफदारी कर रहे थे, जिस तरह से राहुल गांधी की वो तारीफ कर रहे थे, मैंने उनको आरजू जी के शो पर यह बात कहा था कि भाई मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियां भारत में कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि नवाज शरीफ की पार्टी भी जुड़ चुकी है कांग्रेस के साथ। तो वो कहे कि अरे हमारा बस चलता तो हम भारत जा करके उनका प्रचार करते, ये उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, अब मैंने उनको कम से कम 6-7 बार टोका है कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे राहुल गांधी को क्यों वजीर आजम बनाना चाहते हैं? ये भारत पर छोड़ दीजिए ना, ये भारत को तय करने दीजिए कि भारत किसको चुन रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर भारत में मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो राहुल गांधी को ही बनाना पड़ेगा वजीर आजम। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी मुसलमानों के नेता बनकर के रह चुके हैं जबकि भारत में 82.7% तो सनातनी है। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो को जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो को जब पब्लिश करता है उसमें सारे पॉइंट्स मुस्लिम लीग के 1936 के हैं, सारे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 7 आप जो भी पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 7 में कांग्रेस की मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो मुसलमान अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे पहनेंगे और अपने रिलीजन को मानेंगे। तो क्या मैं अपने हिसाब से नहीं पहन रही, मैं अपने हिसाब से नहीं खा रही? नहीं, मैं तो अपने... यहाँ पर फिर नहीं, ये पॉइंट भी आता है कि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भारत के मुसलमान है अभी वो आजादी के साथ नहीं रह रहे, मतलब बीजेपी जाएगी तो मुसलमान जो है फ्रीली रह सकेंगे खा सकेंगे। मतलब आपने खाने पे भी पाबंदी लगाई हुई है? अब मैं तो खा रही हूँ भाई, पता नहीं कौन मुसलमान नहीं खा पा रहा है, चुपचाप का रोजा रख रहा है, ये तो मुझे नहीं पता।
नहीं, ये बिल्कुल बात ठीक है, मुसलमान मर्दों को थोड़ा सा लचक दिखानी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान की औरतें हो या भारत की औरतें हो, अब हर औरत पढ़ना लिखना चाहती है, मर्द के शाना पोशाना रह के जिंदगी गुजारना चाहती है। अब वो जमाने चले गए कि मर्द बादशाह बन के रहेगा और औरत कनीज बन के रहेगी, अब इक्वालिटी पे बात करेंगे। और आपकी बात सही है कि पढ़ेगा तो सब बदलेगा, जब पढ़ेगा नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सो बहुत अच्छा लगा आज की गपशप दोस्तों, आपको हमारी कैसी लगी राय कमेंट्स में शेयर करें, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें, मुझे नाजिया खान को दे इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, बल्कि बात की राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी तक। और ये बात तो बिल्कुल नाजिया अली खान जी की सही है कि पिछले 10 सालों में विपक्ष मोदी जी के ऊपर एक भी जो रिश्वत का इल्जाम है उसको प्रूव नहीं कर पाया। और दूसरी ओर हम जानते हैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बाकी इंडियन अलायंस की पार्टी हो, सबके सब जो बड़े नेता है उनका नाम भ्रष्टाचार में आ चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।